चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन. लेट्स स्टार्ट नाउ. मिसलेनियस के क्वेश्चन सभी अपन को करने थे. एक्सरसाइज वाज डन, है ना. वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स मिसलेनियस क्वेश्चंस. ओके, चलो. चूज करेक्ट ऑल्टरनेटिव. एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x square is equal to y. मैं सब कुछ लेने वाली हूँ मिसलेनियस में से, ठीक है. आई गेस आई हैव अपलोडेड आर्यन. आई हैव अपलोडेड लास्ट लेक्चर. यस, आई हैव अपलोडेड लास्ट लेक्चर. प्लीज चेक इट आउट. मैंने किया है आई गेस अपलोड. आई गेस परसों किया है अपलोड लेक्चर मैंने शायद. If four is not there, we are not going to introduce it. Definitely, we are not going to introduce it. Okay, you can just see 4ax. 4a is what? Constant. Okay. अगर a का value 1/4 होता है, तो इसका मतलब 4a कितना हो गया? 1 हो गया. हाँ, 25x है, ठीक है, रहने दो ना उसको 25x. कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमें. कोई वो 4a जो है वो एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. चलो, क्वेश्चन नंबर 1. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. एरिया ऑफ रीजन. यस, प्लीज कंफर्म यार, मैंने अपलोड किया है या नहीं किया है लेक्चर. बिकॉज मेरे हिसाब से मैंने परसों आगे सारे लेक्चर्स अपलोड किए थे. तुम्हारा भी किया था, 11th का भी किया था, और फाउंडेशन के भी 2 लेक्चर्स किए थे अपलोड. कैन एनीवन टेल मी? आर्यन मुझे पूछ रहा है, वो नहीं अपलोड किया बोल रहा है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है अपलोड किया है. किसी को कंफर्म पता है क्या? कब से स्टार्ट हो रही है कार्तिक, तुझे कुछ पता है क्या? मुझे नहीं पता यार, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है नहीं होने वाली है. आई सीरियसली डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. सर ने बोला क्या ऐसा कुछ? हाँ, गवर्नमेंट हैज गिवन द परमिशन टू स्टार्ट, आई नो दैट, बट सर क्या बोल रहे हैं? सर क्या बोल रहे हैं वो बताओ मुझे. हाँ, फेब के स्टार्टिंग में ना. वो एक्चुअली तुम्हारा जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, आई गेस दोनों, मतलब सॉरी, फाउंडेशन एंड ये बोर्ड्स दोनों स्टार्ट करेंगे एक साथ, ऐसा कुछ तो होगा मेरे हिसाब से. ओके, चलो. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया विद वाई विद एक्स एक्सिस. सो दिस इज वाई डी एक्स ना. तो लिमिट्स क्या दिए हुए हैं? एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 3. तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे अगर डी एक्स है तो यहाँ पे लिमिट्स भी एक्स के ही लगेंगे. आर्यन, मैं चेक करती हूँ फिर तुझे बताती हूँ मैंने मतलब अपलोड किया, क्योंकि मेरे हिसाब से किया है अपलोड मैंने. So x is equal to 1 to x is equal to 3. तो y कितना है फिर? x square dx. 1 to 3. तो कितना है फिर ये? x cube upon 3. 1 to 3. So 1/3 upper limit minus lower limit. How much is this 1/3? 27 minus 1. So this is what? 26/3 square units. लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 7.1 के. तो आई होप अभी फटाफट आना चाहिए. ये सेम पैटर्न है जो हमने लास्ट क्लास में किया था, कुछ अलग कुछ नहीं है उसमें, ठीक है. तो फटाफट आंसर्स आने चाहिए अभी. एरिया बाउंडेड बाय रीजन. नेक्स्ट. आर्यन, व्हाई वर यू एब्सेंट इन लास्ट क्लास? एरिया बाउंडेड बाय रीजन. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स एक्सिस. And also, line x is equal to 1 and line x is equal to 4. अच्छा ठीक है, अगर नहीं किया होगा तो मैं देखती हूँ फिर, ठीक है. चलो, तो क्या है फॉर्मूला? y dx. x is equal to a2, x is equal to b. y is what? Under root of 4x. 1 to 4. Under root of 4x.
तो यस क्या हो जाएगा फिर ये, अंडर रूट ऑफ फोर विल कम आउटसाइड एज टू एंड दिस इज रूट एक्स डी एक्स, है ना, दैट इज रूट एक्स डी एक्स. तो फिर यस बताओ फिर मुझे क्या क्या होगा फिर यहाँ पे, रूट एक्स इज वॉट, एक्स रेज टू हाफ, इट इज लाइक एक्स रेज टू एन, सो वॉट इज दैट, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, वन टू टू. ओके तो कितना आया फिर ये, एक्स रेज टू थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, वन टू टू, तो क्या हो जाएगा फोर बाई थ्री. अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करो टू रेज टू थ्री बाई टू, लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करो वन रेज टू थ्री बाई टू. सही बात है ना, यस लास्ट क्लास में किया है अपन ने ये सर, सो प्लीज गो थ्रू इट. सो क्या हो जाएगा फिर, अपर लिमिट इज फोर, हाँ अपर लिमिट इज फोर, यस यस सर. So 4 raised to root, 4 raised to 3 by 2 is what? 4 root 4. 1 root 1. So 4 by 3. 4 root 4 is what? 4 into 2. 1 root 1 is what? 1. 8 minus 1, 7. 28 by 3 square units. 28 by 3 square units. Any doubt? डाउट है किसी को? अरे 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 आर्यन बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया. अरे तुम्हारे बैच में से कोई आज आया था क्या क्लास में? हाँ वही, मुझे देखने के बाद ऐसे लगा कि अरे ये शायद वही बैच के लड़के, लेकिन फिर मैंने रतन से भी पूछा तो रतन बोला नहीं मैम उस बैच के नहीं है, तो फिर मैंने सोचा ठीक है भैया ऐसे हुआ, नहीं तो फिर मैं बात करने वाली थी तुम लोगों से, लेकिन फिर वो उसने बोला कि नहीं ये तो टी वाई के वगैरह है लोग, तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है फिर मैंने सोचा नहीं जानते होंगे, क्योंकि मुझे लगा ऐसे कि लगी ये तुम लोग ट्वेल्थ के मतलब लोग हो ऐसे, प्रियांशु वगैरह थे. हाँ वही तीन लोग आए थे, तुम सेम बैच के थे क्या? उसके साथ और दो कौन थे? अच्छा ओके ओके ओके, वही ऐसे देखे जैसे लग रहा था तो मैंने सोचा कि अरे ठीक है चलो, मैं आने वाली थी बात करने के लिए, क्योंकि वो मुझे लगा था ये प्रियांशु ही है, वो व्हाट्सएप के डीपी से समझ आता ना इस वजह से. चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, तो y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस, है ना, ये सब लाइन जो है इनका एरिया फाइंड आउट करना है. तो y एक्सिस आया मतलब क्या लेना पड़ेगा अपन को, x डी वाई, है ना, मैंने क्या बताया था, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड x एक्सिस अगर है तो अपन dx लेते हैं, y dx लेते हैं, लेकिन अगर एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड y एक्सिस है तो अपन dy लेते हैं, और लिमिट्स किसके जाते हैं यहाँ पे, y के लिमिट्स जाते हैं, y के लिमिट्स जाते हैं, ठीक है. तो क्या हो जाएगा फिर, इंटीग्रल y इज इक्वल टू 1 टू y इज इक्वल टू 4 x dy, x इज व्हाट, रूट 16 y dy, रूट 16 y dy. ओके तो रूट 16 मतलब कितना आया, ये 4 बाहर आ गया, इंटीग्रल 1 टू 4 रूट y dy. तो रूट y क्या होता है फिर, y रेज टू 3 by 2 upon 3 by 2, 1, 2, 4, है ना, तो ये 2 by 3 हो जाएगा, तो ये 8 by 3 हो जाएगा, so 4 raised to 3 by 2 minus 1 raised to 3 by 2, 8 by 3, 4 root 4 minus 1 root 1, 1 root 1 is 1 only, so this is what, 8, 8 is 64 by
थ्री माइनस एट बाई एक मिनट सॉरी ऊपर भी मैंने सेम गड़बड़ की क्या? नहीं, ऊपर सही किया है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट माइनस वन सेवन एट जा 56 बाई थ्री स्क्वायर यूनिट्स. ओके सो इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. ये फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है यार, फिर से नहीं करेंगे. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज नथिंग बट योर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1. 7.1 एक्सरसाइज जो है अपना, उसके क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4 ओनली. चेक करो जरा ये क्वेश्चन किया है अपन ने. इन फैक्ट वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, बोथ ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व. Any doubt? Yes. Both the questions we have solved. So not to worry about it. Next, second. Fill in the blanks. फिर से same question repeat किया है. Question number 1, again we have solved it. Question number 2 solve करते हैं. X square plus y square is equal to 49. हाँ, आज सिर्फ मिसलेनियस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, अलग कुछ नहीं करने वाले अपन. ठीक है, आज सिर्फ मिसलेनियस करेंगे और फिर अगला चैप्टर जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, और कौन सा, ये एट चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है. हाँ, अगर तुम लोगों ने, ये किसी का तो डाउट है, अगर ये तुम लोगों ने लिमिट्स चेंज की है तो यू विल गेट द नेगेटिव आंसर. अच्छा, दिस वाज होमवर्क. ओके, दिस वाज होमवर्क. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है उन्होंने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y. हाँ, इसका आंसर आना चाहिए 49π. ओके, इसका आंसर आना चाहिए 49π. दिस वाज फॉर होमवर्क. x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y. अगर जल्दी हुआ अपना मिसलेनियस डिस्कस करके तो मैं आज ही स्टार्ट कर दूंगी नया लेसन. ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y एंड उन्होंने बोला है y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4. ओके, ये भी अपन ने किया है क्वेश्चन, ऊपर ही किया है क्वेश्चन सॉल्व. अच्छा, क्या बोला सर ने, ऑफलाइन करेंगे बीच में. थोड़े स्टूडेंट्स को क्लास में बुलाएंगे, मतलब थोड़े स्टूडेंट, मतलब वो कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं थोड़े स्टूडेंट में, कुछ तो बोला होगा. थोड़े स्टूडेंट एज इन टर्न बाय टर्न बुला रहे हैं क्या, टर्न बाय टर्न बुला रहे हैं क्या ऐसे, मतलब. अच्छा, मतलब 20 का ग्रुप पहले है, फिर अगले वीक नेक्स्ट 20, ऐसा कुछ ना. ऐसे ही हमारे डिस्कशन हुआ था एक बार. यस, ऐसा ही डिस्कशन हुआ था हमारा एक बार. तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके फिर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक साथ कंटिन्यू रखेंगे ऐसा. तो लेकिन 12th से पहले ही ना, 12th से पहले ही ना, मतलब ऐसा तो नहीं ना कि 12th के बाद फाउंडेशन का लेक्चर, ऐसे नहीं होगा ना. फाउंडेशन का लेक्चर पूरा फेस टू फेस होने वाला है गैस. अच्छा, मतलब 12th बोर्ड्स एग्जाम के बाद बोल रहे सर. ओके 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 ठीक है, लेट्स सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो लाइन्स एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एक्स इज इक्वल टू 9, ये दिया हुआ है उन्होंने, बता पाओगे? चलो इसका आंसर बताओ मुझे फास्ट. टेल मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एक्स के लिमिट्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो विच फॉर्मूला यू विल यूज? इंटीग्रल वाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी.
चलो ट्राई टू सॉल्व इट. है ना, कोई कोई फॉर्मूला ही तुम्हारे पास नहीं है, सो कैसे ड्रॉ करोगे? आई मीन फॉर्मूला के ग्राफ्स तुम्हारे पास नहीं है, सो जरूरी नहीं है. अभी देखो एक्स वाई इज इक्वल टू हाइपरबोला होता है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी, तो हाइपरबोला दिया ही नहीं है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, सो हाउ कैन यू ड्रॉ इट? ना जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही कर पाएंगे अपन, आई मीन वही करना चाहिए हमें. सेकेंड, हाँ स्फीयर तो जनरली देंगे नहीं, सर्कल देंगे, पैराबोला देंगे. यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जब तुम लोगों को मैंने वाई डी एक्स एंड एच डी वाई वाले फॉर्मूला मैंने बताए थे, वहां पे मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, अगर कर्व दिया है और वाई एक्सिस का उन्होंने अगर एरिया पूछा है, कर्व एंड वाई एक्सिस, एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड वाई एक्सिस ऐसे पूछा है, तो यहाँ पे डी वाई आता है और y के लिमिट्स आते हैं, यहाँ पे dy आता है और y के लिमिट्स आते हैं. और अगर उन्होंने बोला है कर्व एंड x एक्सिस, तो क्या होगा फिर, y dx एंड यहाँ पे x के लिमिट्स आएंगे. सही है ना? यस. तो यहाँ पे y एक्सिस के साथ कितना बाउंड किया है एरिया, वो हमें फाइंड आउट करना है. So y is equal to c, y is equal to d, and x is equal to what? gy, dy. Okay, next. Area bounded by two curves, y is equal to fx, and y is equal to gx. Y is equal to fx, and y is equal to gx, and x-axis. And what? X-axis. तो क्या होगा फिर ये एरिया? देखो ये क्वेश्चन तुम लोगों को ना क्या नहीं समझा, क्या नहीं समझा ये? अरे ऐसे क्यों कर रहे हो? हमने जो फॉर्मूला देखा था लास्ट क्लास में, मैंने क्या बताया था वहां पे, अगर तुम्हें एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस बोला है, तो वाई डी एक्स लगाते हैं अपन, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, कैसे सॉल्व किया फिर सारे क्वेश्चन. और अगर तुम्हें एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड वाई एक्सिस बोला है, तो कैसे लगाते हैं अपन फॉर्मूला, एक्स डी वाई. एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड वाई एक्सिस बोला है, तो वाई के लिमिट्स आते हैं यहाँ पे और डी वाई आता है वहां पे. और अगर एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस बोला है, तो एक्स के लिमिट्स आते हैं एंड वाई डी एक्स आता है. इसे किसे भूल रहे हो? भूलो मत. ओके, भूलना नहीं है बिल्कुल भी. अंडरस्टूड? अब यहां पे तुम्हारे पास दो कर्व्स है, कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है ये, सिर्फ उन्होंने अलग फॉर्मेट दिया हुआ है. एक्स के जगह पे सिर्फ जी ऑफ वाई लिखना है और कुछ नहीं करना है हमें अब ऊपर वाले क्वेश्चन में, नथिंग एल्स. अब उन्होंने क्या बोला है, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस कर्व. अभी ये क्वेश्चन तुम लोगों को थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? जस्ट हैव पेशेंस, थोड़ी देर बाद अपन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन नंबर टू को. ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री पे पहले फोकस करते हैं. चलो, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b. करते हैं ना, एलिप्स का क्वेश्चन करेंगे ना आज, डोंट वरी. एक क्वेश्चन है अपने पास एलिप्स का, वी आर गोइंग टू डू इट. y is equal to fx and x axis, तो कौन सा फॉर्मूला होगा, y dx या x dy, कौन बताएगा अभी मुझे? y dx लिखो या x dy लिखो, बोलो जल्दी. हाँ, y dx लिखो या x dy लिखो, टेल मी फास्ट एवरीवन. x axis बोला है और x की लिमिट्स दिए हुए हैं, तो क्या लिखेंगे फिर अपन, y dx लिखेंगे ना. x axis बोला है और x की लिमिट्स दिए हुए हैं, तो क्या लिखेंगे फिर अपन, y dx लिखेंगे अपन, ठीक है? So x is equal to a, to x is equal to b. All right? Okay? Any doubt? So y क्या है फिर अपना? Y is equal to fx ना? So x is equal to a, x is equal to b, fx, dx. Modulus क्यों रखा है यहाँ पे? Because area is always positive. Why modulus is there? Why? Mod sign is there. Why is this so? Because
एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव. एरिया इज ऑलवेज व्हाट? पॉजिटिव. देयरफॉर मॉड्यूलस साइन इज देयर. ओके नेक्स्ट. एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स. अच्छा ये हो गया. अंडरस्टूड नॉट टिल दिस पॉइंट? यस. चलो आगे आगे की चीजें पढ़ते वक्त पिछले वाली चीजें भूलनी नहीं है बिल्कुल भी. काफी सारे लोग भूल रहे हैं मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में. x एक्सिस दिया है, x के लिमिट्स दिए हैं तो y dx. y एक्सिस दिया है, y के लिमिट्स दिए हैं तो x dy. If the curve under consideration is below x-axis, and then the area bounded by the curve, x-axis and the lines A to B, and lines x is equal to A and x is equal to B is a positive. Yes. Kya hai iska answer? If the curve under consideration is below x-axis, abhi dekho. Suppose kuch is tarike ka curve hai. पैराबोला ही है बट उल्टा वाला पैराबोला है. मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में ये वाले पैराबोला का और ये वाले पैराबोला का डिफरेंस बताया था, है ना? x square is equal to 4ay होता है और x square is equal to minus 4ay होता है. माइनस क्यों होता है? बिकॉज उसका जो एक्सिस है वो नीचे है इस वजह से. ओके अगर ये ऐसा कर्व रहा तो x square is equal to plus 4ay, अगर ये ऐसा कर्व रहा तो x square is equal to minus 4ay, इस तरीके से. ठीक है चलो फिर. सो यस द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x एक्सिस एंड द लाइंस x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b इज पॉजिटिव. गलत है ना ये. एरिया नेगेटिव होगा अपन उसको मॉड्यूलस लगा के पॉजिटिव बनाते हैं. एरिया जो है वो नेगेटिव ही होगा अपन उसको मॉड्यूलस लगा के क्या बनाते हैं? पॉजिटिव बनाते हैं. यस देयरफॉर वी टेक मॉड्यूलस आर्यन. ऑल राइट. So this is your x is equal to a and this is your x is equal to b. ये area हमें अगर find out करना है तो वो area का value जो है वो negative ही आएगा. लेकिन yes अपन modulus लगा के उसको positive कर देते हैं. So इसका जो answer है वो क्या होगा? False. क्यों false? Because उन्होंने क्या बोला है? It is negative. Sorry positive. जबकि वो क्या आता है? नेगेटिव आते हैं. हम जबरदस्ती मॉड्यूलस लगा के उसको पॉजिटिव कर देते हैं क्योंकि एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव. एरिया ऑफ द पोर्शन लाइंग अबव एक्स एक्सिस. एरिया ऑफ द पोर्शन लाइंग अबव एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव. ये क्या होगा? ट्रू है ना. ये पॉजिटिव ही आता है हमें. ओके एरिया हमेशा अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इट इज पॉजिटिव. यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस एनी डाउट इन दिस पॉइंट? कुछ डाउट हो तो बोल दो, कोई इश्यूज हो तो बोल दो. हाँ आर्यन अब ध्यान देना, अभी थोड़ा सा काम का चीज है. ठीक है चलो फोर्थ का क्वेश्चन नंबर वन. Find the area of the region bounded by the curve xy is equal to c square. xy is equal to c square. x axis and lines x is equal to c, x is equal to 2c. अभी ऐसा कोई कर्व हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है. उन्होंने नहीं दिया हुआ है ऐसे कोई इक्वेशन का कर्व. हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ पैराबोला, एलिप्स एंड सर्कल है. ये इस तरीके का कोई भी कर्व अपने टेक्स्ट बुक में नहीं ड्रॉ करके दिया, तो नहीं ड्रॉ करेंगे अपन भी. ठीक है अपन भी नहीं ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पे एक्स की लिमिट्स है मेरे पास, लिमिट्स ऑफ एक्स, तो क्या लगाएंगे फिर अपन? वाई डी एक्स. एक्स इज इक्वल टू सी टू, एक्स इज इक्वल टू टू सी. एरिया x एक्सिस बोला है, dx लिखा. x एक्सिस बोला है, x के लिमिट्स दिए हैं, इस वजह से हमने dx लिखा. तो 2c, सॉरी c टू 2c. y इज व्हाट? c स्क्वायर अपॉन x. y इज व्हाट? c स्क्वायर अपॉन x.
तो क्या करेंगे फिर, सी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, सी से टू सी तक, सी स्क्वायर डी एक्स, सॉरी वन बाय एक्स ना, तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, सी से टू सी तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब क्या हुआ, सी स्क्वायर लॉग ऑफ लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाय बी, लॉग ए बाय बी, लॉग ए माइनस लॉग बी इज व्हाट, लॉग ए बाय बी। तो सी और सी तो निकल गए, क्या बचा फिर, सी स्क्वायर लॉग टू, डन, सी स्क्वायर लॉग टू इज द आंसर, राइट। कुछ डाउट है किसी को तो बोलो, एनी डाउट, यहां तक कुछ डाउट है किसी को, देख लो एक बार ये क्वेश्चन, कुछ कहीं पे कुछ क्वेरीज होंगी तो बताओ मुझे जल्दी, टेल मी फास्ट इफ देयर इज एनी क्वेरी। हाँ, C is constant, correct. चलो कोई डाउट है फिर, नहीं ना, जाए फिर आगे। चलो आगे का जो क्वेश्चन है ना, दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पहले ये साइंस में ये क्वेश्चन मतलब गारंटी से पूछते ही हो, कई बार पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आई वुड से पहले तो नहीं था सिलेबस में, ऐसा ये क्वेश्चन नहीं इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने, लेकिन इस बार तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन है, स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। मैंने क्या बोला था, y square is equal to 4ax, ये पैराबोला कैसे होता है, x axis is the axis of parabola, positive x axis that too, तो ये क्या हो गया उसका ग्राफ, और x square is equal to 4ay का ग्राफ कैसे होता है, positive, ऐसा है ना। तो yes, अपने पास क्या है फिर देखो जरा, y square is equal to 7x है अपने पास, है ना, y square is equal to 7x, तो ये हो गया ऐसा, this is what, y square is equal to 7x, x square is equal to 7y है अपने पास, x square is equal to 7y, मतलब ये हो गया ऐसा, okay? ये क्या है, x square is equal to 7y। इस क्वेश्चन के बाद तुम लोगों को ट्रू और फॉल्स का सेकंड क्वेश्चन समझ में आएगा, इस क्वेश्चन के बाद तुम लोगों को ट्रू और फॉल्स का सेकंड क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया बाउंडेड बाय दीज टू ग्राफ्स, है ना, एरिया बाउंडेड बाय दीज टू ग्राफ्स, मतलब मुझे ये रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, ओके, ध्यान दो, इस ब्लैक कलर की रीजन को मैं कैसे एनालाइज कर सकती हूँ, हाउ कैन आई एनालाइज दिस ब्लैक कलर रीजन, देखो ये पूरा एरिया है, रेड कलर का एरिया मुझे कैसे मिलेगा, अगर मैंने इस पैराबोला को कंसिडर किया तो इस पैराबोला के अंडर जो एरिया आ रहा है दैट इज व्हाट, That red colored area, है ना, ये जो parabola है, इस parabola के अंदर जो भी area आ रहा है वो हो गया तुम्हारा red color का
एरिया, ठीक है। मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करोगे वो इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। मुझे ये दो पॉइंट्स पता होने जरूरी है ना, हमने जब भी एरिया फाइंड आउट किया है तब मुझे दो पॉइंट्स पता रहते हैं, लिमिट्स, दो लिमिट्स पता रहते हैं। यहाँ पे पता है क्या मुझे लिमिट्स? नहीं पता, मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट करोगे फिर? बाय सॉल्विंग टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। मान के चलो इस पॉइंट को मैंने ए नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने बी नाम दिया, ओके। टू फाइंड आउट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7y, ठीक है। ये है अपने पास। टू फाइंड आउट दिस सॉल्व और इट्स सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, इनको अपन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहां पे एक्स का वैल्यू उठाओ, यहां से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय 7 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है इसमें, ओके। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 7 इन व्हाट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। सब्स्टिट्यूटिंग वाई स्क्वायर बाय 7 इक्वल टू एक्स इन व्हाट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7y, एक्स इज व्हाट, वाई स्क्वायर बाय 7 होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 7y। सही बात है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यस yes. अभी तक के क्वेश्चन में मेरे पास लिमिट्स रेडीली अवेलेबल थे, अभी मेरे पास लिमिट्स रेडीली अवेलेबल है क्या? नहीं, मुझे लिमिट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो लिमिट्स की खासियत क्या है, वो लिमिट्स है क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ टू कर्व्स। तो दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं फिर, बाय सॉल्विंग द इक्वेशन साइमल्टेनियसली। व्हाट इज द रेड रीजन, यू विल कम टू नो, जस्ट हैव अ पेशेंस, यू विल कम टू नो, जस्ट हैव अ पेशेंस, ओके। So, y square ka square is what? y raised to 4 upon 7 square is what? 49 is equal to 7y. Isko is side shift kar dete hai, y raised to 4 is equal to 343y. Okay, shift kar dete hai, y raised to 4 minus 343y is equal to 0. Y ko common liya, kya bacha andar? Y cube minus 343. तो y के कौन से वैल्यूज है मेरे पास, y इज इक्वल टू 0 एंड y क्यूब माइनस 343 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज है मेरे पास, y इज इक्वल टू 0 एंड y क्यूब माइनस 343 इज इक्वल टू 0। तो y का आंसर क्या आया फिर, y क्यूब इज इक्वल टू 343 एंड y इज इक्वल टू 7, क्योंकि 343 क्या होता है, 7 का ही तो क्यूब होता है, ओके। तो मुझे y के दो वैल्यूज मिले, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 7, ओके। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, आई वांट टू फाइंड आउट दिस ए, ओके, आई वांट टू फाइंड आउट दैट ए। तो कैसे मिलेगा फिर वो ए, यस, वाई का वैल्यू कितना है, 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, इट इज 0। अगर वाई 0 है, अगर वाई 0 है तो एक्स कितना होगा, आई एम गोइंग टू फाइंड इट आउट, है ना। अगर y 0 है तो x कितना होगा, दैट थिंग वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। चलो, सो यस, लेट्स फाइंड इट आउट। इफ y इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इनटू 0 व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, x a पॉइंट क्या मिला मुझे, व्हाट इज दिस a पॉइंट, 0 कॉमा 0. What is this A point? 0, 0. है ना? Now, y is equal to 7. अगर y is equal to 7 है, तो कितना हो जाएगा फिर? Yes, हम क्या कर रहे हैं basically? Substitute कर रहे हैं values of y. Substituting values of y in x square is equal to 7y. In what? X square is equal to 7y.
ना? तो एक्चुअली यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ रहा है, विच इज प्लस माइनस 7. बट हम अपने केस में कौन से क्वाड्रेंट में देख रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव ही होना चाहिए ना. यहाँ पे एक्स नेगेटिव होके कैसे चलेगा? सो हियर एक्स हैज टू बी पॉजिटिव. सो एक्स इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 7. ऑल राइट, नेगेटिव एक्स नहीं चलेगा बिकॉज अपन कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं. ओके, बी इज इन व्हाट? फर्स्ट क्वाड्रेंट. ऑल राइट, ओके. अब रेड कलर का रीजन जो है ना, शेड किया हुआ, ये जो शेड किया हुआ रेड कलर का रीजन जो है ना, इट इज व्हाट? एरिया अंडर दिस रेड कलर्ड पैराबोला. ये रेड कलर का पैराबोला है ना, क्या इक्वेशन है उसका? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7x. तो ये जो रेड कलर का पैराबोला है उसके अंडर का एरिया इज योर शेडेड रेड कलर्ड रीजन. ओके, सो एरिया अंडर वाई स्क्वायर 7x मुझे फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करोगे? एक्स के ही लिमिट्स है अपने पास, सो वाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए तो एक्स इज इक्वल टू बी, है ना? तो वाई डी एक्स, वाई कितना है अपने पास? रूट 7x. एक्स इज इक्वल टू ए मतलब कितना है वो? एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 7, 0 टू 7. तो क्या हो जाएगा? रूट 7 बाहर आया, रूट एक्स रहा अंदर, एक्स रेस टू 3/2, है ना? डायरेक्ट लिखो अभी, एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, 0 टू 7. दिस इज व्हाट? 2√7/3. 7√7 माइनस 0√0. कितना आया फिर ये 7√7 एज इट इज? 2√7. ओके, रूट 7 इंटू रूट 7 कितना आया ये? 7. 7 7s are 49. 49 इंटू 2, 98. 98/3 स्क्वायर यूनिट्स. लेकिन ये हमारा आंसर है क्या? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है अपना. ये किस चीज का आंसर आया है? रेड कलर का जो शेडेड रीजन है उस चीज का ये आंसर आया है. मुझे क्या चाहिए? तुम लोगों को ये ब्लैक कलर का रीजन दिखाई दे रहा होगा, मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है. मुझे रेड कलर का एरिया थोड़ी ना फाइंड आउट करना है. मैंने रेड कलर का एरिया यूज करके अभी मुझे वो ब्लैक कलर का एरिया मिलने वाला है. देखो कैसे, मैंने रेड कलर के पैराबोला का एरिया फाइंड आउट किया, अब ये येलो कलर का पैराबोला है, इसके अंडर कौन सा एरिया आता? इसके अंडर ये एरिया आता येलो कलर का. वो कैसे फाइंड आउट करोगे? सेम प्रोसेस, एरिया अंडर द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7y. यहां पे लिखते हो साइड में, एरिया अंडर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7y इज इक्वल टू इंटीग्रल y dx. x की लिमिट्स कौन से? फिर x की लिमिट्स क्या है यहाँ पे? 0 टू 7, है ना? तो लगाएंगे अपन 0 टू 7. x is equal to a to x is equal to b, which is what? 0 to 7. y कितना है? x square upon 7 dx. 1 by 7 को बाहर निकालो, ये क्या हो जाएगा? x cube upon 3, 0 to 7. कितना आया फिर ये? 1 by 7, 7 cube upon 3, minus 0 cube upon 3. 1 by 7 into 343 upon 3. तो अब मैंने ये सब क्यों किया झंझट? अलग अलग पैराबोला के एरिया कैसे फाइंड आउट किया मैंने? क्यों फाइंड आउट किया? बाय द वे, रेड कलर का रीजन मतलब क्या था बताओ जरा? रेड कलर का रीजन मतलब ये पूरा रीजन था, दिस कंप्लीट रीजन वॉज योर रेड कलर रीजन. येलो कलर का रीजन मतलब कौन सा रीजन है?
येलो कलर का रीजन मतलब ये रीजन है, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, ब्लैक कलर का रीजन मिल जाएगा, है ना। रेड कलर का रीजन में से येलो कलर का रीजन अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, ब्लैक कलर का रीजन मिल जाएगा, एंड दैट इज व्हाट माय रिक्वायर्ड एरिया, है ना। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया अंडर y square is equal to 7x minus area under x square is equal to 7y. तो कितना आया ये, 98 by 3 minus 49 by 3 which is 49 square. Any doubt? चलो गो थ्रू इट वंस, पूरा पूरा क्वेश्चन फिर से एक बार गो थ्रू करो एंड टेल मी अगर कुछ डाउट है तो क्या समझे फिर, वो जो अपना फिल इन द ब्लैंक्स था, अगर 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 अपना जो फिल इन द ब्लैंक्स जो था अपना, उसमें जो आंसर होगा फिर वो ट्रू होगा ना। यस, वहां पे क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक कर्व है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास और एक कर्व है वाई इज इक्वल टू जी एक्स, और दोनों का एनक्लोज्ड एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे फिर, सब्ट्रैक्शन करोगे ना। फिर हमने एंड में क्या किया है, सब्ट्रैक्शन किया हुआ है। ओके, सो एक्चुअली वो क्वेश्चन वैसे जेन्युइनली गलत है, मुझे ऐसे मतलब वो क्वेश्चन एक्चुअली गलत है, यू हैव टू प्रॉपरली स्पेसिफाई, बट ठीक है। आंसर हाँ फॉल्स ही दिया है उसका आंसर, सही है सही, फॉल्स ही होगा उसका आंसर, बिकॉज एक्चुअली एवरी टाइम नो नीड टू सब्ट्रैक्ट ना, कभी कभी ऐड भी करना पड़ता है। सो यस, मुझे लगा ही था कि वो, आई थॉट इट इज ट्रू, दे हैव गिवन द ट्रू, बट इट हैज टू बी फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो फॉल्स होगा, जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, देर आर केसेस वेर यू हैव टू एड दी पैराबोला। ओके, वाई यू टुक वाई डी एक्स इन द एरिया अंडर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। ओके, सबसे पहली बात, वाई डी एक्स लेना है या एक्स डी वाई लेना है ये इक्वेशन पे डिपेंड नहीं करता। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7y दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि तुम्हें एक्स डी वाई ही लेना है। गेटिंग माय पॉइंट, वो किस पे डिपेंड करता है, वाई डी एक्स लेना है या एक्स डी वाई लेना है, वो लिमिट्स पे डिपेंड करता है। तुम्हारे लिमिट्स कौन से टर्म्स में ले रहे हैं, अपन एक्स के टर्म्स में लिमिट्स ले रहे हैं ना, तो तुम्हारा जो एरिया है वो भी सॉरी तुम्हारा जो फॉर्मूला है वो भी वाई डी एक्स ही होगा। एंड रिमेम्बर, अगर यहाँ पे वाई डी एक्स ले रहे हो तो यहाँ पे भी वाई डी एक्स ही रखो, नहीं तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग वाई डी एक्स ले रहे हैं, मतलब एरिया किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे वाई डी एक्स ले रहे हैं, मतलब एरिया किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट हो रहा है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट हो रहा है। तो अगर तुम एक्स डी वाई लोगे तो एरिया वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा, है ना, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा। तो ऐसे नहीं चलता, अगर तुम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हो सब कुछ, तो एवरीथिंग शुड बी इन टर्म्स ऑफ x एक्सिस। ओके, चलो एक बार रीकैप करते हैं क्वेश्चन का, क्या क्या किया अपन ने। सबसे पहले तो मेरे पास लिमिट्स ही नहीं थे, आई डिडंट हैव लिमिट्स, तो मैंने लिमिट्स फाइंड आउट किए। लिमिट्स कैसे फाइंड आउट किया मैंने, यस लिमिट्स कैसे फाइंड आउट किया मैंने, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तुम लोग को पता है, तुमने 10th स्टैंडर्ड में वो फर्स्ट लेसन में कुछ तो भी ए साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए, मतलब क्या किया तुम लोगों ने, तुम लोगों ने एक्स एंड वाई के ऐसे वैल्यू फाइंड आउट किए हैं जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते होंगे, ऐसे ऐसे इक्वेशन ऐसे ऐसे वैल्यूज एक्स एंड वाई के फाइंड आउट किए हुए। तो हमेशा याद रखो, जब भी तुम्हें इंटरसेक्शन की बात रहेगी, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने रहेंगे, तब तुम लोग क्या करते हो, फिर तब तुम लोग उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो। इफ आई वॉन्ट टू गेट द लिमिट्स इन दिस केस, आई विल हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैसे मिलेंगे मुझे, बाय सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली। कोई भी दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, यू विल गेट देयर इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ओके, यू विल गेट देयर इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो मैंने क्या किया फिर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7y को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। तो क्या कैसे सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली, कोई भी किसी में भी सब्स्टिट्यूट करो, मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 7 लिया वाई का वैल्यू और उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो भी तुम्हें सेम आंसर मिलेगा।
और अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन सेवन इक्वल टू एक्स लिया, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो भी तुम्हें सेम आंसर मिलेगा. ओके तो मैंने क्या किया फिर, मतलब मुझे नहीं समझा श्रावणी तुम्हारा डाउट. मैं पहले कि कैसे करे सॉल्व वो डायग्राम का रेफरेंस किस लिए, मतलब मुझे नहीं समझ में आया क्या बोल रही थी तुम. y square is equal to 7x, मतलब ऐसा डायग्राम, x square is equal to 7 में मतलब ऐसा डायग्राम. तो मेरे पास लिमिट्स तो है नहीं, मुझे लिमिट्स फाइंड आउट करने हैं. तो लिमिट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली सॉल्व करना मतलब यहाँ से x उठाओ यहाँ पे रख दो, या फिर यहाँ से y उठाओ और यहाँ पे रख दो. क्वेश्चन में दिया हुआ है ना एरिया बिटवीन पैराबोलास, तो इसलिए ये ब्लैक कलर का रीजन, यही तो बिटवीन पैराबोलास है. एरिया बिटवीन पैराबोलास मतलब दोनों पैराबोला के बीच का एरिया, तो वही तो है फिर. दोनों पैराबोला ने बाउंड किया हुआ एरिया, तो ये ब्लैक कलर का एरिया दोनों पैराबोला में बाउंड किया हुआ है, तो वही तो मुझे फाइंड आउट करना है. समझ में आई बात? यस. उन्होंने बोला है एरिया बिटवीन टू पैराबोलास, मतलब एरिया बाउंड और बाउंडेड बाय टू पैराबोलास, तो दोनों के बीच में एरिया कौन सा इंक्लोज हुआ है, ये एरिया इंक्लोज हुआ है, तो वही मुझे फाइंड आउट करना है. ओके इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू यूज वाई लिमिट्स, इफ यू वांट टू यूज वाई लिमिट्स देन व्हाट यू कैन डू इज, अगर तुम्हें y लिमिट्स यूज करने हैं तो भी यूज कर सकते हो. तो तुम्हारा आंसर जो है वो सब कुछ y के टर्म्स में होगा. तुम्हें क्या करना पड़ेगा फिर, ये टोटल एरिया लेना पड़ेगा और वहां से ये माइनस करना पड़ेगा और फिर तुम्हें ये एरिया मिल जाएगा. लेकिन y जनरली लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. ओके ठीक है ना, जिसका ये डाउट था कि हम लोगों ने वाई डी एक्स डी वाई क्यों नहीं लिया. एक्स डी वाई भी ले सकते हो, बट इन दैट केस You will have to take this parabola, उसका ये पूरा area find out करो, ठीक है? ये पूरा area find out करो, and then subtract this region. You will get it. One more question is there for area under y square is equal to 7x. You shaded the area inside parabola, and for the area under x square is equal to 7y, you shaded the area outside the parabola. How does it? Okay. कैसे होता है ना? It is actually area under the curve. It is what? Area under the curve. Under the curve मतलब कहां तक? X-axis तक. तो ये red color का जो parabola है, red color के parabola के under कौन सा area है? Area under the curve. Whenever you find out y dx, whenever you find out y dx, उस केस में ये equation and ये x-axis इसके बीच का एरिया मिलता है हमें. तो ये हो गया पहला पैराबोला. दूसरा पैराबोला जो है, दूसरा पैराबोला जो है उसके केस में क्या होगा, ये है तुम्हारा पैराबोला है ना, पैराबोला एंड एक्स एक्सिस. I'm sorry. Okay. So, area under the curve. I am not taking inside outside. I am taking under the parabola area. Area under the curve. ये parabola है. जब भी अपन ये line लेते, area under the curve मतलब ये area होता है. Whenever it is like this, whenever I say area under the curve यहाँ तक, तो ये parabola, ये area होता है. So area under the curve means what? उस curve के और x-axis के बीच का area. Getting my point? Yes. इसका doubt था ये, समझ में आया? तो मैंने कुछ और नहीं किया है. ये actually हुआ क्या पता है क्या? आधा अधूरा दिया है syllabus. इस वजह से problem है थोड़ा सा. ये question जो है ना, मतलब parabola की इतनी practice दी ही नहीं है उन्होंने. और ये ऐसा अलग एक डिफिकल्ट क्वेश्चन डाला है, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है थोड़ा सा. सो हमेशा याद रखो, ydx मतलब क्या होता है,
एरिया अंडर द कर्व एंड एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, मतलब एरिया कर्व के अंडर का एरिया एंड एक्स एक्सिस, है ना, कर्व एंड एक्स एक्सिस इनके बीच का एरिया. व्हेनेवर यू से एक्स डी वाई, दैट इज कर्व एंड वाई एक्सिस, इसके बीच का एरिया. ओके, सो व्हेनेवर यू से एक्स डी वाई, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स डी वाई मतलब कर्व एंड वाई एक्सिस के बीच का एरिया. ठीक है, यस. और क्या क्या डाउट्स है बताओ. डज दैट इम्प्लाय वी ड्रॉ डायग्राम्स इवन विदाउट लिमिट्स? डज दैट इम्प्लाय वी कैन ड्रॉ डायग्राम्स इवन विदाउट लिमिट्स? नो. हाँ, मतलब यार ऐसा नहीं है कि तुम अलग वे में लेके जा रहे हो. बेसिकली ऐसा नहीं कि लिमिट्स के विदाउट डायग्राम ड्रॉ नहीं किए जा सकते, ड्रॉ किए जा सकते हैं, लेकिन हमें सॉल्व करने के लिए तो लिमिट्स चाहिए ना. हमने सॉल्व लिमिट्स ही नहीं रहे अपने पास, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? वी वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व इट ना. सो सॉल्व करने के लिए लिमिट्स की जरूरत है. सो मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स चाहिए थे, इस वजह से मैंने सॉल्व किया साइमल्टेनियसली. ओके, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद मुझे वाई इक्वल टू जीरो मिला एंड एक्स इज इक्वल टू सेवन मिला. y is equal to 0 and x is equal to 7. y is equal to 0, x का corresponding value मुझे 0.0 मिला. y is equal to 7 substitute करने के बाद मुझे x का value 7 मिला. plus or minus 7 ना, it is plus 7 minus 7. तो minus 7 हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ plus 7 चाहिए. इस वजह से हमने सिर्फ plus 7 लिया. एक बार limits मिल गए, it's up to you whether you want to take y के limits और x के limit, लेकिन stick to it. अगर तुम यहाँ पे x के limit ले रहे हो तो यहाँ पे भी x के limit ले लो, अगर तुम यहाँ पे y के limits ले रहे हो तो यहाँ पे भी y के limits ले लो. ठीक है, so y dx is what, under root of 7x dx. root 7 को बाहर निकालो, root x, x is to 3 by 2 upon 3 by 2, 7 root 7, 0 root 0, it is this answer. 0 to 7, 7 cube upon 3 minus 0 cube upon 3. So this is what? 343 upon 3 into 7, so 749 by 3. तो क्या हुआ था फिर अपने केस में? What was the situation? ऐसा एक पैराबोला था और ऐसा एक पैराबोला था. Okay, so this was area under this parabola. And this was area under this parabola. दोनों को सब्ट्रैक्ट किया मैंने, क्या बचा? ये एरिया बचा. दोनों को सब्ट्रैक्ट किया ना, इस पैराबोला के अंडर का एरिया और इस पैराबोला के अंडर का एरिया सब्ट्रैक्ट किया, मुझे क्या मिला? ये चीज मिल गया. अभी इस केस में हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया, जरूरी नहीं है कि हर केस में सब्ट्रैक्ट ही करना पड़े. वैसे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन दिया है तुम्हारे मिसलेनियस में, अदरवाइज उन्होंने प्लेन क्वेश्चन दिए है सारे के सारे. सो आई सब्ट्रैक्टेड both the values. हाँ, आज माइक नहीं यूज कर रही मैम. चलो ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर थ्री अभी चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं. अभी क्या है, y is equal to x square and line y is equal to 10. चलो पहले y is equal to x square को ड्रॉ करेंगे. क्या होता है अपना फॉर्मूला, x is equal to 4 ay, अगर अपना फॉर्मूला है तो पैराबोला कैसे होता है? ऐसे होता है, x square is equal to 4 ay, अगर ऐसा हमारा फॉर्मूला है तो पैराबोला ऐसे होता है, है ना. तो इस केस में भी सेम होगा पैराबोला, बिकॉज x square is equal to y, बस 4 a नहीं है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे 4 a नहीं है मतलब यहाँ पे 1 है और कुछ नहीं. ओके, बट पैटर्न तो सेटिस्फाई हो गया ना. सो दिस इज वॉट योर पैराबोला, कौन सा, x square is equal to 4y. y is equal to 10 मतलब कैसे होगा लाइन, ऊपर मैंने बताया था. x is equal to a मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y is equal to a मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. तो y is equal to a है अपने पास, which is लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y is equal to 10, लाइन पैरेलल टू what, x एक्सिस. Understood or not? Yes, यहां तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, किसी को बोलो जल्दी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा सिर के ऊपर से जा रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड.
बट स्टिल x is equal to a मतलब line parallel to y axis, y is equal to a मतलब line parallel to x axis, तो ये line x axis को parallel है, और हमें क्या पूछा है, area bounded by what, y is equal to x square and the line y is equal to 10, मतलब इनके बीच का area मुझे find out करना है, ये parabola और ये line, इन्होंने कौन सा एरिया बाउंड किया है, इन्होंने ये एरिया बाउंड किया है, कौन सा एरिया बेसिकली इनक्लोज किया है, ये एरिया इनक्लोज किया है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। यस, कुछ तो समझ में आ रहा होगा, यस मुझे लगा था आज ये हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा कंटिन्यू होगा, फिर अगला लेसन स्टार्ट हो जाएगा अपना। इसमें किसी को कोई डाउट है प्लीज बोलो। ये कैसे ड्रॉ किया, कुछ डाउट है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। ओके, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे फिर पूरा एरिया, yes, how I'm going to find out the complete area, yes, y is equal to क्या है यहाँ पे, y is equal to 0, है ना, यहाँ पे क्या है, y is equal to 0, तो y is equal to 0 to y is equal to 10, ये area मुझे find out करना पड़ेगा, y is equal to 0 to y is equal to 10, ये area मुझे find out करना पड़ेगा, okay, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे फिर, यस लेट्स सी नाउ, लेकिन यस सो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल वाई इज इक्वल टू जीरो और एल्स वाई इज इक्वल टू ए टू वाई इज इक्वल टू बी, वाई की लिमिट से मेरे पास कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स डी वाई लगाएंगे ना, वाई की लिमिट से मेरे पास कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स डी वाई लगाएंगे, ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे, x dy फॉर्मूला लगा तो लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे, x का वैल्यू लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, देखो ध्यान दो, अरे यार x क्या है अपने पास, रूट y dy 0 टू 10, अगर मैं 0 टू 10 लिखूंगी तो मेरे पास दो दो रूट y है ना, x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट y आना चाहिए था, x is equal to plus or minus root y आना चाहिए था, तो मैं plus root y लूँ या minus root y लूँ, हम एक ही root y लेंगे and उसको 2 से multiply करेंगे, हम एक ही root y लेंगे and उसको 2 से multiply करेंगे, क्योंकि same area होता है, मैंने ये चीज़ तुम लोगों को last class में बताई थी, 2 से multiply क्यों करना पड़ता है, if you remember, क्यों करना पड़ता है, कि मुझे क्या substitute करना है, x dy substitute करना है, तो x is what, root y, plus or minus root y आएगा वो, तो प्लस एंड माइनस दोनों सिचुएशंस अपने पास है, तो इस वजह से व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 2, ओके, सो आई हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 2, तो क्या हो जाएगा फिर, यस 2 इनटू y रेज टू 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 0 टू 10, ओके, तो ये क्या हो जाएगा 4 बाय 3 दिस इज 10 रेज टू 3 बाय 2 माइनस 0 रेज टू 3 बाय 2 आया, फिर ये 4 बाय 3 10 रूट 10 माइनस 0 रूट 0, हाउ मच इज दिस, 40 रूट 10 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, 40 रूट 10 बाय 3 स्क्वायर, देखो जरा ध्यान दो, एनी डाउट, कुछ डाउट है किसी को यहां तक प्लीज बताओ, एनी डाउट, गो थ्रू दी, मैं एलिप्स वाला क्वेश्चन नहीं लूंगी, मैं फिफ्थ क्वेश्चन लूंगी इंस्टेड, ओके, आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 5।
क्या है उसमें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स के लिमिट्स क्या दिए हुए हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे होगा, क्या होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई कैसे होता है, ऐसे, तो ये भी ऐसे ही होगा, है ना, इट वुड बी लाइक दिस ओनली। अब क्या बोला उन्होंने, दिस ग्राफ एक्स एक्सिस x is equal to 1, x is equal to 4, ये सारे एरियाज मुझे फाइंड आउट करने, एक मिनट, ओके, दिस इज x is equal to 1 लाइन, this is x is equal to 4 line, किसने किसने बाउंड किया हुआ एरिया फाइंड आउट करना है हम लोगों को, किसने किसने बाउंड किया हुआ एरिया, कर्व मतलब ये कर्व, x एक्सिस मतलब ये x एक्सिस, ये लाइन और ये लाइन, मतलब मुझे ये एरिया, am I right? Write out, चलो fast. Last question. लेकिन तुम्हारी तरफ से आंसर चाहिए मुझे. y dx यूज करोगे, x के लिमिट्स लगेंगे, x is equal to 1, 2, 4, y dx, चलो बाकी लोग आंसर दो यार, बस दोनों दोस्तों के आंसर आ गए, सिक्सटी थ्री बाई थ्री इज नथिंग बट 21 ना, कौन दोस्त, वन मोर क्वेश्चन वी विल सॉल्व, वन मोर क्वेश्चन वी विल सॉल्व, ठीक है, तो कितना है फिर ये, एक्स क्यूब अपॉन थ्री, वन टू फोर, इट इज फोर क्यूब बाय थ्री माइनस वन क्यूब बाय थ्री, कितना है फिर ये, सिक्सटी फोर बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री, 63 by 3, which is 21 square units. Okay? Chalo, one more question. Question number 6. X square is equal to 25y. Y-axis, y is equal to 1, and y is equal to 4. Toh kya bataya tha maine? Kaisa hai ye? X square is equal to 4y ki tarah hi hai. So, I'm going to draw it like this only. Y is equal to A मतलब कैसे होता है लाइन, ऐसे, Y is equal to A मतलब कैसे होता है लाइन, ऐसे, कौन सा एरिया हमें फाइंड आउट करना है, यस दिस एरिया एंड दिस एरिया, ऑब्वियसली आई विल रिक्वायर व्हाट, x dy,
ये कौन सा है ना, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y, सो यस x इज इक्वल टू व्हाट, प्लस और माइनस 5 रूट y है ना, सो एरिया इज इक्वल टू x dy, y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्लस और माइनस लेंगे क्या अपन, नहीं एक ही लेंगे एंड उसको इंटू टू कर देंगे, एक ही लेंगे एंड उसको इंटू टू कर देंगे, सो इट इज व्हाट 5 रूट y dy, y इज व्हाट 1 टूवाइस 4, ओके तो कितना हुआ 10 इंटीग्रल रूट y dy, कितना आया फिर ये 10 y रेज़ टू 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 1 से लेके 4 तक, कितना है फिर ये 20 अपॉन 3 y raised to 3 by 2, this is 3 raised, 4 raised to 3 by 2, minus 1 raised to 3 by 2. कितना है फिर ये? 20 upon 3, 4 root 4, minus 1 root 1. Okay? So 20 by 3 is what? 8 minus 1. Sorry, 10 आना चाहिए यहाँ पे. नहीं, 20 सही है, 2 by 3 हो गया ना, 20 सही है. So it's 140 by 3 square units. चेक इट आउट, 70 बाई 3 आ रहा है, 70 बाई 3 नहीं चाहिए, एक्चुअली 140 बाई 3 इज द करेक्ट आंसर, 70 बाय 3 नहीं चाहिए यार, क्योंकि y एक्सिस और कर्व ने तो, हाँ y एक्सिस एंड कर्व ने तो सारा एरिया बाउंड किया है ना, हमारा मेन इंटेंशन क्या है, इट शुड बी बाउंडेड बाय y एक्सिस कर्व एंड लाइन, तो कर्व यहाँ पे भी तो है, कर्व यहाँ पे भी तो है, है ना, सिर्फ यही लेना है, किसने बोला पॉजिटिव y एक्सिस बोल दो फिर, पॉजिटिव साइड बोल दो फिर, तुम कुछ ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, तो ये y एक्सिस है, ये कर्व है, ये भी y एक्सिस है, ये भी कर्व है, तो दोनों साइड का एरिया हमें लगेगा ना, सो इट हैज टू बी 140 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, चलो कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास, दो क्वेश्चंस बाकी है, मैंने वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि एक क्वेश्चन तो लास्ट वाला मैंने होमवर्क दिया था, एलिप्स का मैंने कंफ्यूजन हो जाएगा इस वजह से नहीं लिया, ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में एलिप्स का क्वेश्चन कर देंगे, मैं कुछ और प्रैक्टिस भी दे दूंगी तुम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस की, ठीक है, सो लेट्स स्टॉप हियर एंड शेयर द नोट्स.